अली हैदर। मुझे ये बताए अली भाई, दुनिया की नॉलेज रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बिजनेसमैन के तो नाम पता ही होंगे आपको? बिल्कुल पता है। मुकेश अंबानी दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जानते हैं उसको? बिल्कुल जानता हूँ। मुंबई इंडियंस के मालिक, रिलायंस के मालिक, कौन नहीं जानता। सवाल आपसे ये है कि ऐसा पाकिस्तानी आपको क्या लगता है अंदाजन कितने करोड़ के मालिक होंगे मुकेश अंबानी, जो इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन है? मेरे ख्याल से आई थिंक 200-300 करोड़ होगा। बस 200-300 करोड़ आप कह रहे हैं सर? 200-300 करोड़ तो जाती है सर, थोड़ा तो कम आ रहे हो। तो का अंदाजा यही है कि 4 करोड़ हो जाएगा, इससे ज्यादा और कितना होगा? बस इतना ही होगा। 400 करोड़ पे चलेगा। मैं कहूंगा जरा हजारों की लाइन में आ जाए, 100 की लाइन को छोड़। फाइनल एंड फाइनल 700 करोड़। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। ये बताएं कि दुनिया में नॉलेज रखते हैं थोड़ी दुनिया की? जी रखते हैं। बड़े बड़े बिजनेस मैन है दुनिया के अंदर, एक मुकेश अंबानी भी, उनको जानती हैं? हाँ जानते हैं। ये बताएं कि मुकेश अंबानी, हमने सुना है बहुत बड़े बिजनेस मैन है, अंदाजन कितने करोड़ की मालियत रखते होंगे मुकेश अंबानी? 10 बिलियन। 10 बिलियन आपने कहा है, मतलब कि पहली कोई लड़की मिली है यहाँ पे, वरना हर कोई कम कम वैल्यू से बताता है। 10 बिलियन आपने कैसे कह दिया? अमीर है तो इतने तो होंगे ही। याद है आपको उन्होंने अपनी किसी बेटी की शादी की थी और बड़े ही कह सकते पैसे लगाए थे, शादी आपने देखी थी? हमें बुलाया? नहीं बुलाया ना, तो हम क्यों कहेंगे हमने शादी देखी, हमने नहीं देखी। ये क्या है? कह सकते तो आपने कहा 10 बिलियन। मैं आपसे कहूँगा एक और मौका आपको दे रहा हूँ, थोड़ा और तुक्का मार ले, क्योंकि आपने अच्छी वैल्यू बताई, मैं थोड़ा सा और कर सोच लूँ। 50 बिलियन। 50 बिलियन मतलब आप तो जंप पे ऐसे मार नहीं जाते। पानी का तो नाम सुना ही होगा। यस। कौन है वो? एक इंडिया के बड़े टॉप बिजनेसमैन है, जिनकी मुंबई इंडियंस भी है। बिल्कुल आप सही पहुंचे। मुझे ये बताएं कि सवाल आपसे ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि अंदाजन कितने करोड़ के मालिक होंगे मुकेश अंबानी? 500 करोड़ की नेटवर्थ जो है। 500 करोड़ आप नेटवर्थ कह रहे हैं सर? अभी तो आपने कहा मुंबई इंडियंस के मालिक है, बिजनेसमैन भी है, मैं कहूँगा थोड़ा प्राइस तो बढ़ाया, थोड़ा बहुत बड़ा नाम है। 1000 करोड़। 2000 करोड़ भाई ने जवाब दे दिया भाई, मतलब के 2000 करोड़ बहुत ज्यादा। 50 बिलियन जो ओरिजिनल प्राइस है ना मुकेश अंबानी की नेटवर्थ, वो है 92.2 बिलियन। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मतलब के 92.2 बिलियन पे आपका जिसको कह सकते हैं बुरा हाल हो गया, पाकिस्तान में इसको कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 18 लाख करोड़। क्या ओरिजिनल प्राइस बताने जा रहा हूँ सर, जो आपने मुझे प्राइस बताई है वो ये है, जो मैं ओरिजिनल प्राइस बताने जा रहा हूँ सर, $92.2 बिलियन। आपने अपनी शक्ल देखी? ये क्या बात करता है यार? देखिए बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। देखी भी इतनी रकम कभी? देखी मैंने नहीं देखी, मैं कहाँ देख सकता, मैं गरीब आदमी। अच्छा, गिनता कैसे होगा बताओ आपको? 18 लाख करोड़। 13 बोला। 18 लाख गिनने के करोड़ गिनने के, मुझे ये बताओ पैसा ही पैसा होगा सर। जो उनकी ओरिजिनल प्राइस है मैं आपको बता रहा हूँ 92.2 बिलियन के वो मालिक है। व्हाट? 92.2 बिलियन। अगर हम इसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी करेंसी के अंदर तो वो बनते हैं 18 लाख करोड़। क्या 18 लाख करोड़? सच्ची बात कर रहा हूँ सर, 18 लाख करोड़, मतलब कि समझ आ रही क्या क्या वैल्यू है। 10% भी अगर पाकिस्तान को मिल जाए ना, पाकिस्तान के सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। जो मैं आपको ओरिजिनल प्राइस बताने जा रहा हूँ मुकेश अंबानी की, मुकेश अंबानी की अगर बात करें जो उनकी नेटवर्थ है वो है 18 लाख करोड़। समझ आई कुछ? आ गई। कैसे आई मतलब मुझे समझा दो, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि 18 लाख करोड़ कैसे? यार काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मतलब कि अगर वो हैं एक टॉप क्लास बिजनेसमैन और आईपीएल में सबसे ज़्यादा जीती भी मुंबई इंडियंस है, ठीक है, तो उस लिहाज से उनका तो बनता है फिर। रिलायंस ग्रुप के मालिक है। इसके अलावा सर अगर बात करें इसको ज़रा थोड़ा इंग्लिश में ले जाए तो 92.2 बिलियन बनते हैं ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं आपसे सवाल करूँ, ये जो 18 लाख करोड़ है मैं तो कन्फ्यूज हो गया, मुझे नहीं समझ आ रही इसमें कितने जीरो आते हैं, आप बता सकते हैं? नहीं मुझे भी नहीं आइडिया, कोई कैलकुलेट करके हो सकता बता दूं, लेकिन वैसे अभी तो फिलहाल खुद आप सोच में पड़े हो कितना मतलब लंबे डिजिट चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आखिर मतलब आपके पास 18 लाख करोड़ हो तो आप क्या से क्या करें? यार सबसे पहले तो ये कि ऊपर रब की ज़ात है देने वाली, वो एक अगर दे सकता ना आपको तो वो एक दिन में छीन भी सकता है आपसे। बिल्कुल। तो मैं तो कोई मेरा कोई स्पेशल नहीं है कि मैं पैसे के पीछे भागूँ, ये वो मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है,
लेकिन हाँ अगर आजेगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो नास। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजे की बात की, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, आज मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे नंबर पे आते हैं अमीरों में, और वही पाकिस्तान के लोगों को बताया मुकेश अंबानी की नेटवर्थ तो वो पागल से हो गए। हम आपको बता दें कि एक टाइम मुकेश अंबानी नंबर 1 में आते थे।